Das ist hier. Shivoham Om Namo Bhagavate Vasudevaya Krishnaya Satchidanandaya Param Gurum. सच्चिदानंद रूपाय व्याप्ताय परमात्मने तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः ओम तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या च द्रवणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देवा भगवान सच्चिदानंद परमात्मा के चरणों की कृपा से जो सब कुछ है मालिक है अनंत आकाश गंगाओं के और अनंत ब्रह्मांडों के जिनके प्रभाव क्षेत्र में अगणित ब्रह्मा अगणित इंद्र अगणित देवी देवता अगणित पृथ्वियां न जाने कितने कितने ब्रह्मांड जिनके जिनसे उनके कण कण में व्याप्त चेतन सत्ता से परिपूर्ण हैं ऐसे भगवान की कृपा से आज ये दसवें स्कंद के उत्तरार्ध का समापन प्रवचन ले रहे हैं। इसमें 89 और 90 89 और 90 ये दो अध्याय का समावेश होगा। इसमें जो 89वां अध्याय है उसमें भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा और भगवान का मरे हुए ब्राह्मण बालकों का वापिस से लाना ये विषय है। एक बार ऋषियों में विवाद हुआ, थोड़ा विवाद हुआ मतलब उन लोगों ने निश्चयात्मक रूप से ये नहीं जान पाए कि तीन देव ब्रह्मा विष्णु और महेश इसमें कौन बड़ा है। इसके लिए उन्होंने भृगु जी को नियुक्त किया कि भृगु जी आप जाओ और इसका निर्णय करो। पहले भृगु जी ब्रह्मा जी की सभा में गए, बिना नमस्कार किए बैठ गए, बिना स्तुति किए बैठ गए। जब आप किसी महान व्यक्ति के चरणों में जाते हैं तो आपको नमस्कार और स्तुति करना चाहिए, ये वहां का प्रोटोकॉल है। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, स्वाभाविक है क्योंकि ब्रह्मा जी उनके पिता हैं भृगु जी के। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मेरा पुत्र मेरा ही निरादर कर रहा है, लेकिन ब्रह्मा जी ने क्रोध को दबा लिया क्योंकि वो सभा में भी बैठे हैं और सभा में सबके सामने पुत्र भी हो तो उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। अकेले में उससे कुछ बात कह दो, समझा दो, डांट दो, लेकिन चार आदमी के बीच में पुत्र को नहीं डांटना चाहिए। ऐसा सोच के ब्रह्मा जी
चुप रह गए। लेकिन अब चूंकि भृगु जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे ही, तो वो तो ब्रह्मा जी के समान ही जानकार थे, तो उस उनके क्रोध को उन्होंने पकड़ लिया और फिर वहां से उनको प्रणाम करके स्तुति करके और चले गए। क्योंकि अब तो उनको जो करना था, उनको जो जानना था, वो तो उन्हें जान लिया, इसलिए वो प्रणाम करके और स्तुति करके चले गए। अब क्या हुआ कि भगवान शंकर के सब कैलाश पहुंच गए भृगु जी, और कैलाश गए तो वहां भगवान शिव ने उनका स्वागत किया, आलिंगन के लिए हाथ बढ़ाए, तो उन्होंने उनका आलिंगन स्वीकार नहीं किया, ठुकरा दिया और उल्टा उनको वेद मर्यादा का ताना दे दिया कि तुम वेद की मर्यादा का पालन नहीं करते हो। इस पर शिव क्रोधित होकर त्रिशूल उठाकर मारने दौड़े तो पार्वती ने उनको रोक लिया। अभी पार्वती जी ने समझदारी का काम किया। कहीं कहीं पार्वती जी पहले श्राप ही दे देती है। भृगु जी वहां से हाथ जोड़कर क्षमा मांग के और वहां से भी चल दिए, समझ गए उन्होंने जो जानना था जान लिया, परीक्षा लेने थे ले ली। अब महर्षि भृगु भगवान विष्णु के निवास वैकुंठ गए और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में सिर रख के लेटे हुए थे। भृगु जी ने कस कर उनके वक्ष स्थल पर एक लात जमा दी। भगवान ने झटपट शैया से उठकर उनको प्रणाम किया और उनके कोमल चरणों को हाथ में लेकर सहलाने लगे और पूछने लगे कि कहीं आपके पैरों में लग तो नहीं गई, क्योंकि दुनिया के तमाम राक्षसों से लड़ते लड़ते मेरा सीना तो बहुत कठोर हो चुका है, पत्थर वज्र की तरह, और आपके सुकोमल चरण भगवान के कोमल और प्रेम भरे वचन को सुनकर भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए और भृगु जी की आंखों में से भक्ति के कारण आंसू झरझर बहने लगे। फिर भृगु जी ने ऋषियों को आकर सारा वृतांत बताया। सबने भगवान विष्णु को श्रेष्ठ माना क्योंकि वे ही शांति और अभय के उद्गम स्थान है। यहां 15वां श्लोक तक अपन आ गए। भगवान विष्णु से ही साक्षात धर्म, ज्ञान, वैराग्य, 8 प्रकार के ऐश्वर्य और चित्त को शुद्ध करने वाला यश भी प्राप्त होता है। ये 16वां श्लोक है। शांत, समचित्त, अकिंचन और सबको अभय देने वाले साधु मुनियों की वे एक ही मात्र परम गति हैं। 17वां श्लोक। उनकी प्रिय मूर्ति है सत्व और इष्ट देव है ब्राह्मण, निष्काम, शांत और निर्गुण, विवेक संपन्नता से युक्त पुरुष उनका यजन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। ये कथा एक रूपक है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये 3 अलग नहीं है, ये सच्चिदानंद परमात्मा की 3 अभिव्यक्तियां हैं। जैसे आप घर में किसी के पिता हैं या किसी की माँ हैं, लेकिन आप जब ऑफिस से आते हैं तो वहां आप बॉस हैं या कोई मातहत हैं और किसी के माँ और पिता नहीं, और आप जब किसी का प्रतिकार करते हैं, कोई शत्रु आप पे आक्रमण करता है उससे लड़ते हैं, तो आप उस समय योद्धा हैं, चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं।
तो भगवान विष्णु जो हैं वो सत्व गुण के संवाहक हैं और रक्षक हैं और समस्त जगत के पालन करता है। उस रूप में सच्चिदानंद परमात्मा विष्णु के रूप में प्रकट हुआ, लेकिन वह भी आत्मज्ञान के प्रदाता है और सब प्रकार के योगक्षेम और हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि और हर प्रकार की सहायता करने में सक्षम है। शत्रुओं के विनाश से लेके तो भक्तों को प्रेम देने में सब प्रकार की पूर्णता उनके पास है। ब्रह्मा जी का जहां तक प्रश्न है, ब्रह्मा जी तो बस समझो कि बस गवर्नर है। आप ब्रह्मा जी की उपासना करो, कितनी भी करो, वो आपको कोई वरदान दे सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं कर सकते, वो उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता। आज आपको हिरण्यकशिपु या रावण ऐसा वो वरदान दे सकते हैं, लेकिन उनके आत्मज्ञान उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता। ये बात आज तक किसी ने नहीं कही, लेकिन मैं कह रहा हूं। भगवान शिव भगवान विष्णु के ही समान सब प्रकार से वैसे ही सामर्थ्यवान है, क्योंकि वो तमोगुण के संरक्षण के तमोगुण को संभालते हैं और तमोगुण अधिक ना बढ़े और बढ़ता है तो वो संहार भी करते हैं सृष्टि का। लेकिन भगवान शिव जो हैं आपकी आत्मा के रूप में आपके अंदर मौजूद रहते हैं। ये शिव ब्रह्मा और विष्णु तीनों की युति आपके अंदर है। इस बात को समझाने के लिए ये रूपक है कि आप यदि प्रेम का तिरस्कार करेंगे तो स्वाभाविक रूप से क्रोध आएगा, और यदि आप किसी वरिष्ठ या कोई आदरणीय है उसका सम्मान नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप अपने आत्म स्वरूप के प्रति कुछ भी करेंगे तो वो आपको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अकर्ता और अभोक्ता है। इसलिए तो हम सच्चिदानंद परमात्मा के सभी रूपों को एक साथ स्वीकार करते हैं। और मैं आपसे निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर आप सच्चिदानंद परमात्मा की शरण में जाएंगे तो आपको संसार में भी कम से कम कठिनाइयां आने वाली है। अगर आपको कोई संसार की कठिनाई आएगी तो परमात्मा आपको जैसे माँ अपने बच्चे को संभालती है ऐसे आपको संभालेंगे। यह इस कहानी इस दृष्टांत का की शिक्षा है, और ऋषि मुनियों में कोई विवाद नहीं होता। ये तो सिर्फ एक कहानी है जो आपको समझाने के लिए भागवत में लिखी गई है। अब एक दूसरी कहानी इस अध्याय में आई। एक कथा आई है कि द्वारकापुरी में एक ब्राह्मण था और उस ब्राह्मण के साथ एक परेशानी थी कि उसके जो भी पुत्र होते थे वो सब मर जाते। उसने कृष्ण का के राज्य पर इसका दोष लगाया। उसने कहा कि वह एक एक करके 9 बालक जो उसके मरे हुए बालकों के शव थे उनको द्वारका के राजमहल के द्वार पर पटक कर खरी खोटी सुनाकर चला गया। एक बार वो फिर आया, 9 एक एक करके आया ना, एक साथ 9 तो नहीं लाया। एक बार जब वो आया भगवान ने तो कुछ नहीं कहा, उसकी खर खोटी सुन ली। वहां कृष्ण और अर्जुन दोनों बैठे हुए थे। ब्राह्मण बोला तो अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा कि जिसके राज्य में धन स्त्री अथवा पुत्रों से वियुक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते हैं वे क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय के वेश में पेट भरने वाले नर हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपके पुत्रों की रक्षा करूंगा, यदि आपके पुत्रों की रक्षा ना कर सका तो आग में कूद कर जल मरूंगा। ब्राह्मण अर्जुन के बल पौरुष का
जानकार था, जानता था कि अर्जुन बलवान है, पुरुषवान है, जो कहते हैं वो करते हैं। ब्राह्मण को विश्वास हो गया। ब्राह्मण पत्नी गर्भवती हुई और प्रसव के समय अर्जुन गांडीव से पूरा कक्ष बाणों से बांध दिया जहां उसका प्रसव हो रहा था, लेकिन फिर भी ब्राह्मण का शिशु शरीर के सहित गायब हो गया। अर्जुन द्वारा तीनों लोकों में उसको ढूंढा पर वो ना मिला। तब समस्त पुरियों में न मिलने पर अर्जुन अग्नि में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गए, आत्मदाह के लिए तैयार हो गए। भगवान ने अर्जुन को रोका और भगवान ने अर्जुन को दिव्य रथ पर लेकर पश्चिम की तरफ सात पर्वत, सात द्वीप, सात समुद्र, लोकालोक पर्वत को लांघकर घोर अंधकार को सुदर्शन चक्र के प्रकाश से चीर कर अंधकार के पार गए, जहां पारावार सहित व्यापक परम ज्योति जगमगा रही थी। फिर जल राशि में प्रवेश करके जल महल में पहुंचे। उस मणि खंभ युक्त उज्जवल महल में शेष जी विराजमान थे। श्वेत वर्ण सहस्त्र मणिधर फण, लाल नेत्र हजारों, शेष भगवान की सुखमय शैया पर सर्वव्यापक भगवान प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम मेघ वर्ण श्यामल पीतांबर पहने मृदु हास्य युक्त चितवन लिए। मणि मंडित मुकुट कुंडल अष्ट भुजाएं गले में कौस्तुभ मणि बक्ष पर से वस्त्र चिन्ह आजानु भुज और जानु तक बनमाला। अर्जुन को देखा नंद सुनंद आदि पार्षद चक्र सुदर्शन आदि मूर्तिमान आयुध और पुष्टि श्री कीर्ति और अजा चारों शक्तियां। ध्यान से सुन लो, फिर नहीं सुनने मिलेगा। ये पुष्टि श्री कीर्ति और अजा चारों शक्तियां, संपूर्ण ऋषियां ऋषि ब्रह्मादि लोकपाल सेवित भगवान भूमा विराजमान थे। इनको कृष्ण ने नहीं कहा, नारायण ने भूमा कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप में और अनंत भगवान को प्रणाम किया। भगवान तो जानते थे कि मेरा ही स्वरूप है। दोनों का प्रणाम स्वीकार करके भूमा पुरुष ने गंभीर वाणी से कहा, 58 श्लोक, श्री कृष्ण अर्जुन तुम दोनों को देखने के लिए ही मैंने ब्राह्मण बालक को अपने पास मंगा लिए थे। तुम दोनों नर नारायण ऋषि हो और धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर तुमने अवतार लिया है। पृथ्वी पर दैत्यों का संहार करके आप मेरे पास लौट आओ। पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ होकर भी लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करो। इससे ये जो सिद्ध होता है कि अगर कोई व्यक्ति आत्मज्ञानी भी हो जाए, पूर्ण काम भी हो जाए, लेकिन उसको धर्म का आचरण नहीं छोड़ना चाहिए, अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। भगवान भूमा ने श्री कृष्ण और अर्जुन को आदेश दिया और ब्राह्मण के बालक लौटाए। उनको पिता को सौंपकर श्री कृष्ण और अर्जुन लोक सृष्टि से सारी लीला पुण्यादि यज्ञादि राक्षसों का संहार करते हुए पृथ्वी पर ही उन्होंने अनायास धर्म की स्थापना की। ये कहानी इस बात का सूचक है। पहली बात तो यह है कि जो राजा होना चाहिए उसको सबसे छोटे से छोटे व्यक्ति को सुख देना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो या कोई भी गरीब हो। अंतिम व्यक्ति जो है समाज का, उसको लाभान्वित करना चाहिए और उसके लिए अपने प्राण भी अगर आहुति लगाना पड़े तो अर्जुन की तरह आत्मदाह यानी पूरे प्राण और प्रण से काम करना चाहिए। और
आप परमात्मा के सिद्ध बुद्ध और कृष्ण और अर्जुन के समान भी हो जाए तो आप परमात्मा सच्चिदानंद के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि वो अनंत हैं। इसका कहानी का ये कि शिक्षा है कि जो अनंत भूमा देव है उनका एक अंश मात्र भी कृष्ण और राम बनने के लिए पर्याप्त है। तीसरी बात, इसमें अगर कहीं शिक्षा है तो ये है कि ये संकेत दिया भूमा देव ने कि अब तुम्हारा काम पूरा होने वाला है, अब तुम आ जाना। ये इन दोनों का लीला संवरण और लीला समेटने का पहला संकेत था। जैसे आपका पहला संकेत आता है कि आपके बाल सफेद हो जाते हैं, दूसरा संकेत आता है कि आपके दांत गिरने लग जाते हैं, और तीसरी बार जब संकेत आता है तो आप कभी कभी मूर्छित होने लग जाते हैं। बस तब समझना चाहिए कि अब चला चली का मेला है। दो दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। दो दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। तो तीसरी बात यह है, इसमें जो शिक्षा दी गई कि अगर आपको ज्ञान भी हो जाए, आत्मज्ञान भी हो जाए, तो भी आपको धर्म की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। आपको पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन आपको पाप कर्म नहीं करना चाहिए, और आप कर नहीं सकते वैसे तो, लेकिन फिर भी ज्ञान हो जाएगा, आप कर नहीं सकते हो। जैसे कोई बधिया बैल होता है वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे जैसे ज्ञान हो जाता है न काम न क्रोध न लोभ न मोह, इसमें कभी जान बीज कर भी उतरना भी चाहे तो नहीं उतर सकता। तो ये जो है 90 अध्याय पूरा हुआ, इस अध्याय की परिसमाप्ति पर हम भगवान का स्मरण करके 90वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। श्रीमनारायण नारायण 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 भवतारायण, श्रीमनारायण नारायण नारायण बद्रीनारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 पिता नारायण माता नारायण बंधु नारायण सख नारायण गुरु नारायण शिष्य नारायण सब में नारायण सब में नारायण। असितगिरि समस्यात् कज्जलम सिंधुपात्रे सुरतर वर्षाखां लेखनी पत्र मूर्वे लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां ईश पारं नयाति। गुरु महाराज की जय। शिवोहम। अब 90वां अध्याय ले रहे भगवान श्री कृष्ण के लीला बिहार का इसमें वर्णन आया है। भगवान की द्वारकापुरी का वैभव और सौंदर्य, भगवान की 16,000 से अधिक रानियों के परम ऐश्वर्य संपन्न महलों का वर्णन आता है इसमें। भगवान एक साथ एक ही समय
अनेक प्रकार से अपनी पत्नियों के बीच में मौजूद रहते थे और पत्नियों के साथ विहार करते थे। रानियां बड़ी प्रसन्न थी। कुकरी पक्षी चकवी समुद्र चंद्रदेव मलयानील मेघ कोयल पर्वत नदियां हंसों से भगवान के विषय में अलग अलग ढंग से बात करती अनन्य प्रेम लीलाएं और अलौकिक क्रीड़ाएं करती जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को पति भाव से सेवित करती थी। देखिए भगवान श्री कृष्ण महापुरुषों का एकमात्र आशय है, आश्रय भी है। सभी महापुरुष भगवान की भगवत्ता के बारे में आपको प्रेरित करते हैं, मदद करते हैं और उधर जाने की के लिए आपको कहते हैं। और समस्त महापुरुष भगवान के आश्रय में ही पड़े। हनुमान चालीसा में जो आता है, साधु संत के तुम रखवाले। भगवान ही हमारे साधु संतों के रखवाले हैं। हम इस जगत के भरोसे नहीं जीते, आपको साफ बताएं। और ना कोई साधु संत या कोई महापुरुष सदगुरु इस जगत के भरोसे नहीं जीता। संसार हमें सम्मान करे या संसार हमारा तिरस्कार करे, हमारे आश्रय भगवान है। हमें मालूम है वो कभी हमारा तिरस्कार नहीं कर सकते, कभी हमको छोड़ नहीं सकते। और जो शिष्य हमसे प्रेम करते हैं, हम उनको कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यदि वो 1% हमसे प्रेम करते हैं तो हम उनसे 100% प्रेम करते हैं। ऐसे भगवान भी हैं। तो उन्होंने वेदोक्त धर्म का बार बार आचरण करके लोगों को ये बात दिखा दी कि घर में ही अर्थ धर्म और काम मोक्ष का साधन है। ये 28वां श्लोक है। एक हजार नहीं 16108 रानियों के साथ रहकर, 16100 तो वो ही रानियां थी जो वो जेल से छुड़ा के लाए थे उन कन्याओं को, और 8 तो पट रानियां थी। अब तुम सोचो तुम्हारी कितनी माँ है, बेवकूफों काय को चिंता करते हो। 16108 तो हम अपनी माँ है, क्या चिंता है अपने को। और जगत के स्वामी परमात्मा सच्चिदानंद अपने पिता हैं, अब अपने को जगत में किसकी चिंता है। तो इनके साथ रहकर परमात्मा सच्चिदानंद में कैसे जिया जाए ये सबको बताकर गए। तुम तो एक से ही परेशान हो, वो तो इतनी पत्नियों के साथ एडजस्टमेंट जमा कर रहे थे। प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र उनने उत्पन्न किए, तुम तो एक ही पत्नी के 10 पुत्र उत्पन्न नहीं कर पाते। दो में ही परिवार नियोजन का ऑपरेशन करवा लेते हो, है ना। और दूसरे लोग 20-20 पैदा कर रहे हैं, वो आगे जाके तुम्हारे बच्चों की गर्दन दबोच के मरोड़ देंगे, जैसे सीरिया में हो रहा है। भगवान के पुत्रों में 18 तो महारथी थे। भगवान कितनी बड़ी शिक्षा दे के गए हैं कि भैया कम से कम 10 पुत्र तो पैदा करो, लेकिन तुम तो 2 पुत्र पैदा करने के बाद टाटा फिस हो जाते हो। क्यों? कि तुम तमाम प्रकार के तर्क वितर्क देते हो। ठीक है, जनसंख्या को कम रखने का ठेका केवल तुम ही लोगों ने तो लिया है, ताकि तुम इसके बाद धीरे धीरे बर्बर लोगों के लिए मौका दे दो और तुम्हारी गर्दन पर छुरी रखने के लिए उनको शक्तिहीन होकर निमंत्रण दे दो कि आओ काटो हमारी गर्दन। तो भगवान के पुत्रों में 18 तो महारथी थे। तुम्हारा एक भी पुत्र अगर कोई ताकतवर बनने की कोशिश करे तो तुम बचपन से ही उसको डरा धमका देते, अरे झूठो यार क्या करते हो, गलत काम है, मत लड़ाई झगड़ा करो, मत ये करो, तुम तो पढ़ाई करो। अरे तुम्हारी पढ़ाई करने के बाद तुम
अगर बड़े बड़े इंजीनियर और डॉक्टर भी हो गए तो जैसे दिल्ली में वो डॉक्टर मर गया डेंटिस्ट, अरे कम से कम विवेकानंद की उस युक्ति को तो समझ जाओ कि जिसने कहा है कि बलम उपास्य, बल की उपासना करो, और उसको तो समझ जाओ कि क्षमा वीरों का भूषण है, तुम वीर तो बनो पहले, क्षमा बाद में करना। 18 महारथी थे, इस बात का प्रमाण है भगवान का। महारथी किसको कहते हैं आपको पता है? महारथी उसको कहते हैं जिसके अंदर में 1 करोड़ सैनिक होते हैं। 1 करोड़ की सेना पर एक ही महारथी होता है। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, बृहद भानु, चित्र भानु, ब्रक, अरुण, पुष्कर, वेद बाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्र बाहु, विरूप, कवि और निग्रोध, ये 33 और 34 श्लोक। भगवान के इन पुत्रों में रुक्मणी, नंदन, प्रद्युम्न सबसे श्रेष्ठ थे। उन्होंने रुक्मणी की, उन्होंने रुक्मी की कन्या से विवाह किया था, उसी से अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ जिनमें 10,000 हाथियों का बल था, 10,000 हाथियों का बल। और यहां तो हमारे बंधु ऐसे हैं कि जिनमें एक गधे का भी बल नहीं है। अभी एक गधे का बोझ अगर उठवा तो नहीं उठा सकते, ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग का मेडल नहीं ला सकते। तुम्हारे पूर्वजों के बाहों में 10,000 हाथी का बल था, तुमसे कम से कम 1 हॉर्स पावर तो रख लो अपने हाथों में। मैं तो कहूंगा, क्योंकि जब तक मैं तुम लोगों को चोट नहीं मारूंगा तब तक तुम शक्ति की उपासना प्रारंभ नहीं करोगे। ये तुम्हारा भक्ति की उपासना के साथ शक्ति भी होना चाहिए। भगवान के 3 हाथों में शस्त्र है, 1 हाथ में कृपा करना है। 3 गुनी शक्ति हो तो 1 गुनी क्षमा होना चाहिए। 3:1 ये संतुलन है, और भारत ने इस संतुलन को छोड़ दिया। यही कारण है कि पिद्दी पिद्दी भारत के देश भारत को आंख दिखा रहे और आतंकवादी भेज के भारत में कोहराम मचवा रहे। तो रुक्मी के दोहित्र अनिरुद्ध जी ने, मतलब रुक्मी के दोहित्र यानी प्रद्युम्न के ने रुक्मी की कन्या से विवाह किया और उसी से अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ, है ना। तो दोहित्र कहलाए, अपने नाना की पोती से विवाह किया और उसके गर्भ से वज्र का जन्म हुआ, वज्र उनका नाम था। और ब्राह्मणों के श्राप से पैदा हुए मूसल के द्वारा यदुवंश का नाश हो जाने पर एकमात्र वे ही बचे थे, कौन? वज्र ही। वज्र के पुत्र है प्रतिबाहु, उनके हैं सुबाहु, उनके हैं शांतसेन और उनके हैं सतसेन। 38वां श्लोक। सभी ब्राह्मण भक्त संपन्न और दीर्घायु पुत्र पौत्र से युक्त। मैंने सुना है यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए, ये कौन कह रहा है? सुखदेव जी कह रहे हैं, मैंने सुना है कि यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 आचार्य थे। अब सोच सकते हो, 3,88,00,000 आचार्य थे तो पुत्र कितने होंगे उनके? महाराज उग्रसेन के साथ एक नील सैनिक रहते थे, एक नील, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, संख, 10 संख और नील, इतनी संख्या। अब भैया इस बात को मैं नहीं कहूंगा क्योंकि तुम लोग तो भरोसा करोगे नहीं, और एक नील सैनिक रहना यानी ये तो बहुत गजब की बात है। इसको यहीं छोड़ देते, आप जानो और इतिहासकार जाने। ये हुआ 42वां श्लोक। और देवासुर संग्राम में मारे गए असुरों ने ही मनुष्य के रूप में जन्म लेकर और घमंड में जनता को सताने लगे, तब भगवान ने देवताओं सहित यदुवंश में अवतार लेकर इनका नाश किया।
यदुवंश के 101 कुल थे, ब्रांचेस, जो ब्रह्मा, जो भगवान कृष्ण को स्वामी और अपना आदर्श मानते थे। सदैव कृष्ण में चित्त लगाकर उनकी समस्त शारीरिक क्रियाएं यंत्रवत अपने आप होती रहती थी, यानी वो साक्षी में रहते थे। यंत्रवत क्रियाएं तो तभी होती हैं जब साक्षी में व्यक्ति रहता है। भगवान का चरण का धोवन गंगा जी, भगवान का स्वयं अवतार कोमल लक्ष्मी जी द्वारा भगवान की सेवा, ये यदुवंश का परम सौभाग्य था। भगवान का नाम एक बार सुनने और उच्चारण करने से ही सारे अमंगलों का नष्ट, अमंगल नष्ट हो जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। यहां बोलेंगे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुसो यदुवंशी कृष्ण मुरारी। तो श्री राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे राधे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान हाथों में चक्र लिए और ऋषियों के जितने वंशजों में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, उनके संस्थापक भगवान श्री कृष्ण हैं, और हाथों में चक्र लिए पृथ्वी का भार उतारते और सर्वदा सर्वत्र उपस्थित निमित्त मात्र से वो देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, जन्मे नहीं प्रकट हुए। अधर्म का नाश करने वाले प्रभु जगत पर वही विजयी है, उन्हीं की जय है। सोई विजयी गुणई गुणनायक, सोई विजयी गुणई गुणनायक, एकमात्र यदुकुल सुरनायक। उनकी भक्ति परम धाम पहुंचाती है, जहां काल की भी दाल नहीं गलती, जहां काल भी नहीं पहुंच सकता। उस धाम की प्राप्ति हेतु सम्राटों ने भी अपने राजपाट छोड़कर तपस्या करके घोर वन की यात्रा की है। धन्य है उनकी लीला और श्रवणामृत, और ये जो है भगवान की, कृष्ण भगवान की लीला का अध्याय 1 से लेकर 90 अध्याय तक का प्रवचन था भगवान की लीलाओं के बारे में। यह जो प्रवचन है इसको यहां पर ही समाप्त करते हैं, पूर्ण करते हैं। और इति दशमं स्कंधं उत्तरार्ध समाप्त। हरियो तस्सत्, हरिः ओम तस्सत्।